आचार्य जी, आज जब मैं बोध स्थल आने की तैयारी कर रहा था तो मेरे सलाहकार का फोन आया कि मत आइए। उन्होंने कहा कि आचार्य जी की तबीयत खराब है, इसीलिए आज बोध प्रत्यूषा नहीं होगा बल्कि अनौपचारिक सत्र होगा। क्या आप एक भी दिन अपने लिए आराम नहीं कर सकते हैं? आप ऐसे समय में भी हम झुन्नुओं के लिए क्यों लगे हुए हैं? और ये मैं सत्र से बचने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे खेद है कि आप आ रहे थे और आपको ऐसी सूचना चली गई। आपका यहाँ लिखा हुआ आप गोरखपुर से हैं, आप शायद गोरखपुर से आए होंगे। गोरखपुर से आए हो तो, या शायद किसी काम से दिल्ली आए होंगे, तो सत्रों में भी आना चाहते थे। आप कल हो तो कल जरूर आइएगा। मैं आज भी बोध प्रत्यूषा का सत्र ले लेता हो जाता। इन लोगों ने पकड़ के लिए नहीं दिया, तो अगर इसमें बात कर सकता हूँ अभी अनौपचारिक सत्र में, तो बोध प्रत्यूषा भी हो सकता था। क्या आप आराम नहीं कर सकते हैं? मैं कर लूं आराम, ये भरोसा हो कि आप लोग छिटक नहीं जाएंगे। भाई चुके कल रात से, बल्कि कल दिन से थोड़ी सी खराब है तबीयत, तो मैं लेटता था बीच बीच में। और मजाल है कि 30 मिनट 1 घंटे से ज्यादा लगातार नींद ले सकूं। भीतर बड़ा डर रहता है, लगता है सो जाऊंगा तो संस्था में पता नहीं क्या हो जाए और आप लोग पता नहीं कहाँ भाग जाए। 1000 कारण हैं आपके पास भागने के, और भगाने वाली ताकतें बहुत मजबूत हैं, वो लगातार काम कर रही हैं। तो उसमें कैसे बीच में गैप या अवकाश किया जाए? मैं तो अवकाश कर लूंगा, माया तो अवकाश नहीं कर रही ना, वो तो अपना काम लगातार कर रही है। मुझे भरोसा ही नहीं आता कि अगर मैं एक दिन को भी हट जाऊं तो सब ठीक ठाक रहेगा। और ये मेरा कोई फोबिया नहीं है, मैं बहुत तथ्यों और आंकड़ों पर चलने वाला आदमी हूं। मैंने देखा है कि किसी भी वजह से अगर एक दिन नहीं आधे दिन भी मैं अपनी ड्राइवर्स पोजीशन से हट जाऊं तो समस्या हो जाती है। करेंगे आराम कभी। जब आप लोग आराम देंगे तब करेंगे आराम। मैं सबको भूलता रहता हूँ कि हमारी भीतरी जो मांग है वो चैन की है, और चैन आखिरी चीज है जो मेरे पास है। मुझे इस बात पर बहुत बहुत गर्व था कि मुझे सपने नहीं आते, मुझे कभी सपने नहीं आए। सन 2015 तक मैं सबको बोलता था तुम लोगों को सपने आते हैं क्या? मुझे पता ही नहीं सपने क्या होते हैं। मैं इतना निश्चिंत सोता था, बेधड़क। फिर उसके बाद प्रशांत अद्वैत संस्था, और मैं लेटा भी होता हूं तो तब भी विचार चल रहा होता है, सपने नहीं होते, थॉट होता है। मैं सो भी रहा होता हूं तो मैं सोच रहा होता हूं, और कई बार सोते सोते सोचा है और कुछ पता चल गया है कि फलाना काम अभी बचा हुआ है, तो तुरंत उठ गया हूं और काम पूरा किया है। एक अर्थ में शायद मैं बहुत कम सोता हूँ। मैं अगर लेटा भी हूँ कुछ घंटों को तो उसमें नींद बहुत कम होती है, बाकी समय तो मैं सोच रहा होता हूँ। ये मेरा पागलपन नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी जिंदगी खराब करने का, बस स्थितियां ऐसी हैं, मैं क्या करूं, ऐसे काल में जन्म लिया। आप कल आइएगा। मैं जिनके साथ हूं ना वो बड़े दुर्बल हैं सौरभ जी, वो कुछ नहीं कर पाते मेरी सहायता के लिए, तो मुझे ही करना पड़ता है। और जो खिलाफ हैं हमारे वो बहुत ताकतवर हैं, ताकतवर भी हैं और बड़े हठी हैं, बड़े दृढ़ हैं। वो ऐसे ही थोड़ी समाज के सफल लोग हैं सब, जिन अधिकांशतः जो लोग खिलाफ है हमारे, जो वर्ग, जो ताकतें, वो बड़ी हैं और वो सफल हैं। और ज्यादातर मैं जिनके साथ हूं वो बेचारे खुद बड़े अशक्त हैं। तो मैं उनकी देखभाल करूं या सोने चला जाऊं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आज से ही। आज सुबह YouTube चैनल पर एक वीडियो आया है हमारा, लड़कियां गाड़ी क्यों नहीं चला पाती। ये बहुत, इसमें ढंग से और बहुत जमीनी स्तर पर कुछ बातें समझाई गई हैं। जो पूरा सामाजिक ढांचा है उसको बस ड्राइविंग के मुद्दे का इस्तेमाल करके समझा दिया गया है। उसमें सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है और फिजियोलॉजी भी है। सब कुछ एक साधारण से मुद्दे का इस्तेमाल करके समझा दिया है, और बहुत रोचक तरीके से। आप में से जो लोग मौजूद थे उस दिन, जिस दिन वो बात हुई थी, एक भाई ने आके पूछा था कि लड़कियों की बनावट में कुछ खोट है क्या? आप लोगों को याद होगा वो। लेकिन वो वीडियो है, उसके व्यूज नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि चैनल पर 30% ही महिलाएं हैं, और महिलाएं कमजोर हैं। महिलाओं ने देख भी लिया तो चूंकि महिलाओं ने देख लिया इसीलिए 70% पुरुषों ने नहीं देखा, वो वीडियो गिर गया। मैं जब कमजोरों का साथ देता हूं तो जितने लोग मजबूत हैं वो मेरे खिलाफ इसीलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि मैंने कमजोर का साथ दिया है। और जिनके स्वार्थों पर मैं चोट कर रहा हूं उनको तो साफ दिख रहा है कि उनके स्वार्थों पर चोट पड़ रही है, तो पलट कर वार कर रहे हैं मुझ पर। पर मैं जिनको बचा रहा हूँ उनको पता भी नहीं चल रहा कि मैं उनको बचा रहा हूँ, तो वो मेरी कोई बहुत सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं दोनों तरफ से मार खा रहा हूँ। समाज के जो सब ताकतवर तबके हैं वो मेरे खिलाफ हो गए हैं, और जिन कमजोरों के साथ मैं हूं उनको पता भी नहीं है कि मैं उनका साथ दे रहा हूं, तो वो मुझे कोई विशेष सहयोग नहीं देते और दे भी नहीं पाते, वो खुद ही कमजोर है। एक एक छोटी से छोटी जो उपलब्धि होती है, एक एक कदम जो संस्था आगे बढ़ाती है, वो भारी विरोध के साथ आगे बढ़ाती है। मैं आपको कुछ और उदाहरण दिए देता हूं। आप पूछते हैं ना आराम क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि एकदम जो एज ऑफ द क्लिफ है वहां पर खड़ा हुआ हूं। आराम करूंगा तो जो पूरा काम है उसको धक्का देके खाई में गिरा दिया जाएगा। जिसके काम की इतनी दुर्दशा हो, जिसका काम इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ हो, वो कैसे आराम करे। एक उदाहरण और लीजिए, टेड तो जानते होंगे ना, टेड जानते होंगे, ये जो टेड एक्स टॉक्स होती हैं। हमारी 2 टेड टॉक हुई, उसके बाद आप देखिएगा जो तीसरी है वो टेड के चैनल पर नहीं है, वो हमारे चैनल पर है। टेड ने अपने चैनल पर पब्लिश करने से मना कर दिया। हर महीने 2-3 इंस्टीट्यूट से बुलावा आता है कि आइए और बोलिए टेडएक्स में, और टेड वाले बोल देते हैं कि आप बोल लीजिए पर हम आपका वीडियो अपने चैनल पर नहीं छापेंगे। हमने पूछा क्यों नहीं छापोगे, कोई पॉलिसी है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो वहां के लोगों को पसंद नहीं। तो वो लोग अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के खिलाफ जाकर भी मुझे रोकने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं, पर हमारे लोगों को ही थोड़ी पता है, हमारे लोगों को ये बात थोड़ी पता है। आपने कभी सोचा नहीं कि आचार्य जी की टेड टॉक आचार्य जी के चैनल पर क्यों है? 2 तो टेड पे थी, उसके बाद जो तीसरी थी हमारे पे, और उसके बाद पूर्ण विराम लग गया। वो नहीं चाहते कि मेरी बात सब तक पहुंचे, और मैं जिनको बचा रहा हूं उनको पता भी नहीं है कि मैं उन्हें किन से बचा रहा हूं। कबूतर को बचाया जा रहा है, कबूतर को पता भी नहीं है कि उसको शिकारी से बचाया जा रहा है। कबूतर सोच रहा है कि बेकार ही ये मुझे रोज रोज परेशान करते हैं। वैसे ही ये जितने भी नेशनल चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स वगैरह, आप इनमें देखिएगा कि प्राइम टाइम पर कैसे कैसे लोग आते हैं। अभी तो चुनाव चल रहे हैं तो वही चुनावी लोग ज्यादा आते हैं, और जब चुनाव नहीं भी चल रहे होते तो देखिए बहुत ही साधारण औसत किस्म के लोग भी होते हैं। कई न्यूज चैनल्स से कई बार बात हुई कि उनके प्राइम टाइम में मैं आऊंगा। ऐन मौके पर वहां की कोई अथॉरिटी जो गुमनाम होती है, जो अपना नाम नहीं सामने आने देती, वो भांजी मार देती है, नहीं होने देती। तो हमको अगर फिर टीवी पर आकर देश भर को अपना संदेश देना है तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो सब पेड कार्यक्रम है जो आप सुबह का रात का देखते हैं। संस्था बिल्कुल अपना आखिरी रुपया खर्च करती है, तब जाके हम टीवी पर आते हैं। और जितने भी बहुत क्या बोलूं गड़बड़ किस्म के भी लोग हैं, उनको फ्री में प्रचार मिल जाता है। और लड़ाई उन्हीं से है। नोड्स ऑफ इविल तो वही हैं, और वो बहुत अच्छे से अपने दुश्मन को पहचानते हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं जो कर रहा हूं अगर मैं सफल हो गया तो वो बर्बाद हो जाएंगे, तो वो पूरी जान लगा देते हैं मुझे रोकने के लिए। पर मैं जिनके लिए कर रहा हूं उनको बिल्कुल नहीं पता कि मैं उन्हें कितने बड़े खतरे से बचा रहा हूं। बल्कि वो दूर भागते हैं। कितनी ही बार हुआ है किसी बड़े मंच पर कोई बातचीत होनी थी और बिना बताए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वो कैंसिल कर दी गई। क्यों कैंसिल करी गई कोई जवाब भी नहीं दिया जाता। किसने कैंसिल करवाई उस आदमी का नाम भी नहीं बताया जाता। समाज से परिस्थितियों से इतना भी सहयोग नहीं है, बल्कि वो कदम कदम पर बाधाएं देते हैं। आप देखिएगा एक से एक साधारण लोग होते हैं, उनकी 10-10, 15-15 टेड टॉक्स होती हैं। हमें टेड टॉक्स की अब कोई जरूरत नहीं है। टेड का चैनल अपना जितना बड़ा है हमारा उससे ज्यादा बड़ा हो गया है, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर एक समय था जब हमें आवश्यकता थी, और जब आवश्यकता थी तो उन्होंने खूब बाधा लगाई। उनके बाधा लगाने के बाद भी हम आगे बढ़ गए वो अलग बात है। पर देखिएगा कैसे कैसे लोग हैं जो कोई 10, कोई 15, और उससे फर्क पड़ता है ना, क्योंकि आपकी आवाज लोगों तक पहुंचती है। मेरा तो काम ही यही है कि ये बात लोगों तक पहुंचे। मैं बहुत मस्त जी रहा था इस संस्था के बनने से पहले। पांच सात जोड़ी कपड़े थे, वही अपना पहन के पड़ा रहता था। अद्वैत लाइफ एजुकेशन का काम था, एक सीमित स्तर का काम था, वो चलता रहता था। और मुझे सपने नहीं आते थे, मैं एकदम मुक्त था। मैं लोगों से बोला करता था कि मैं रिटायर हो चुका हूं। अपने लिए तो मैं जब 30-35 साल का था तभी रिटायर हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था, पूरा रिटायरमेंट था। अब उस रिटायरमेंट के बाद दोबारा पब्लिक लाइफ शुरू करना, कभी कभी पूछता हूं कि इसकी जरूरत है क्या। मैं गिनती करके रखता था कि अगर मैं बहुत साधारण तल का जीवन यापन करूं, एकदम साधारण, और मान लो मुझे 60-70 साल जीना है, तो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए। उतना पैसा मैं देखता था कि है। मैंने कहा चलो, मैं कहता था फिर कोई झंझट लेने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ ठीक है।